हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास हिंदी में अपना वो पाठ चल रहा था। लाख की चूड़ियां वाला दूसरा पार्ट, बीच में व्याकरण हो गया था। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक वह खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसे लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दिया, अरे रख जाओ लल्ला के लिए आम तो ले आ। और फिर मेरी ओर मुखाकी होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरी लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह भाई, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी काया पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ी, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के ब्याह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। ओके स्टूडेंट।